हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको GSTR-1 रिपोर्ट्स समझाऊंगी। टैली प्राइम में GST सीरीज़ मैं लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से व्हाट इज़ GST, अबाउट GST, हाउ टू प्रिपेयर रिटर्न्स इन GST, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। एंड टैली में मैं आपको पूरी रिटर्न्स प्रिपेयर करके भी दिखाऊंगी। आज मैं जस्ट आपको रिपोर्ट्स समझाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने कहा था कि GST रिटर्न्स, GST रिपोर्ट समझानी है। तो ये वीडियो GSTR-1 के लिए ही है। GSTR-1 आप इसमें समझेंगे। तो डेली वीडियो अब आपको मिलेगा, नाइट में 9 o'clock वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप वेट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि आपको वीडियोस नोटिफिकेशन के थ्रू जल्दी से मिल जाए और आप उसको देख के अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं GSTR-1। अगर आप लोग ऑलरेडी यूज़र हैं, आप लोग GST में अपनी बिलिंग वगैरह सब कुछ करते हैं और अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं GSTR-1 की टैली के थ्रू, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अभी मैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर ही लूँगी। तो आपको सबसे पहले GST रिपोर्ट्स में GSTR-1 पे आना होता है। एंड आपको पता है कि जो भी रजिस्टर्ड डीलर होता है वो अपनी GSTR-1 फाइल करता है। जो भी रजिस्टर्ड डीलर है उसको अपनी GSTR-1 और 3B फाइल करनी होती है। और अब तो GSTR-1 फाइल करना मैंडेटरी है। 13th ऑफ एवरी सक्सीडिंग मंथ ड्यू डेट होती है। अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हो तो आपको 50 rupees पर डे फाइन चार्ज होता है। तो आपको टाइमली अपनी रिटर्न फाइल करनी है। और वैसे भी अब 2A और 2B आ गया है, तो आपको टाइमली अपनी रिटर्न अब फाइल करनी ही पड़ेगी, तभी जो आपके कस्टमर्स हैं जिनको आप सेल करते हो वो अब ITC क्लेम कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली वो लोग भी आपको फॉलोअप करेंगे कि आपने अपनी GSTR-1 टाइमली फाइल करनी है। तो अगर आप GSTR-1 को टैली सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे अपनी सारी रिटर्न्स बनाते हैं, तो GSTR-1 में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि पहली बात तो हमें ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं इसका मीनिंग ही समझ नहीं आता, बल्कि आपको यहाँ पे ना रिटर्न्स में वही सब चीज़ें दी हुई हैं जो आप पोर्टल पे जब रिटर्न फाइल करते हो वहाँ पर जो जो चीज़ें आती है, जैसे जैसे आती हैं वैसे ही एग्जैक्टली GSTR-1 यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये वाली रिटर्न्स में जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये समझाऊंगी। सबसे फर्स्ट है इसमें B2B इनवॉइस। B2B इनवॉइस होता है बिजनेस टू बिजनेस, ये होता है रजिस्टर्ड डीलर के लिए इनवॉइस। अगर आप कोई भी रजिस्टर्ड डीलर को सेल करते हो, ओके, अगर आप कोई भी रजिस्टर्ड डीलर को सेल करते हो, सेम स्टेट या अदर स्टेट कहीं पे भी सेल करो, बट रजिस्टर्ड होना चाहिए डीलर, तो आपका इनवॉइस जो कैप्चर होता है वो B2B इनवॉइस में कैप्चर होता है। सेकंड इज B2C लार्ज इनवॉइस। B2C लार्ज इनवॉइस होता है अगर आप कोई भी इंटर स्टेट सेल करते हो, इंटर स्टेट सेल करते हो अनरजिस्टर्ड डीलर को करते हो, मोर देन 2.5 lakh का बिल करते हो, मोर देन 2.5 lakh इंटर स्टेट सेल एंड अनरजिस्टर्ड डीलर या फिर कंज्यूमर को करते हो, तो आपका जो बिल कैप्चर होता है B2C लार्ज में होता है, ओके। नेक्स्ट इज B2C स्मॉल इनवॉइस। B2C स्मॉल इनवॉइस में आता है बिजनेस टू कंज्यूमर इंटर स्टेट सेल अनरजिस्टर्ड डीलर या कंज्यूमर, लेस देन 2.5 lakh आपका बिल B2C स्मॉल में जाएगा। एंड सेकेंड कंडीशन, विद इन दिस स्टेट कोई भी अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर जितने मर्जी की सेल, आपका बिल B2C स्मॉल में जाएगा, ओके। विद इन दिस स्टेट अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर जितने मर्जी का बिल, कोई लिमिट नहीं है, कोई 2.5 lakh नहीं, कुछ नहीं, कोई लिमिट नहीं है। विद इन दिस स्टेट आप कोई भी अनरजिस्टर्ड डीलर या कंज्यूमर को सेल करते हो तो आपका इनवॉइस B2C स्मॉल में ही कैप्चर होता है, ओके। नेक्स्ट इज क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड। क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड मीन्स अगर आप कोई भी ऐसा आपका कस्टमर जो रजिस्टर्ड है, आप उसके लिए क्रेडिट नोट इशू करते हैं या डेबिट नोट इशू करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे शो होता है क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड के अंदर। अगर आपका कोई भी कस्टमर जो रजिस्टर्ड है वो आपको गुड्स रिटर्न करता है और आप उसके लिए क्रेडिट नोट इशू करते हैं, तो आपका इनवॉइस रजिस्टर्ड के अंदर कैप्चर होगा। एंड नेक्स्ट इज क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड। यहाँ पे आपकी एंट्री तब कैप्चर होती है अगर आप कोई भी अनरजिस्टर्ड डीलर का इनवॉइस जो कि 2.5 lakh से अबव है, इंटर स्टेट ही होएगा, इंटर स्टेट सेल में जो भी इंटर स्टेट आपका इनवॉइस होगा 2.5 lakh से ऊपर का, अगर आप वो इनवॉइस को के लिए क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो वो आपका क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड के अंदर आता है। इसके अलावा अगर 2.5 lakh से नीचे का इनवॉइस के लिए आप क्रेडिट नोट बनाते हैं ना, तो वो आपका अंदर से ही माइनस हो जाता है,
अंदर से ही माइनस हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रांजेक्शन की हुई है, 1000 रुपीज़ का सेल किया हुआ है, 500 का लेस कर दिया, तो ये 2.5 लाख से कम था, अंदर से ही माइनस हो गया B2C स्मॉल में से, मेरे को अलग से यहाँ पे शो नहीं करता। तो ये वाली कंडीशन समझने वाली है, रिटर्न्स में तो आपको दोनों ही शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट इनवॉइस, अगर आप विद LUT बॉन्ड या विदाउट LUT बॉन्ड एक्सपोर्ट करते हैं तो भी आपका इनवॉइस एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के अंदर ही कैप्चर होता है। एंड नेक्स्ट इज टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीव, अगर आप एडवांस रिसीव के ऊपर अपनी टैक्स लाइबिलिटी दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कैप्चर होगा। उसके बाद जब आप उसको सेल करके एडजस्ट करते हैं एडवांसेस को, तो आपकी एंट्री 8th वाले पॉइंट में कैप्चर होती है। एंड इसके लिए तो अब लिमिट भी है, अगर मोर देन 1.5 करोड़ आपका टर्नओवर है तभी आपको एडवांसेस के ऊपर अपनी टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है, अदरवाइज नहीं करनी, एट द टाइम ऑफ सेल ही आप करोगे। नेक्स्ट इज नील रेटेड इनवॉइसेस, इसमें आपके सारे टाइप के इनवॉइसेस आ जाते हैं, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड एंड नॉन GST। नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड एंड नॉन GST आप किसी भी टाइप की सेल करेंगे आपका बिल यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज HSN वाइज समरी, यहाँ पे टैली आपको HSN वाइज समरी दिखाता है प्रॉपर, आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें आपने आइटम्स को HSN कोड क्या दिया है, डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, क्या आपने UKOC दिया है, क्योंकि जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें अब अपनी HSN वाइज समरी देना भी मैंडेटरी है, तो टैली आपको GSTR-1 में HSN वाइज समरी प्रॉपरली बनाकर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट समरी, डॉक्यूमेंट समरी में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इशूड, आपने कौन से सीरीज से कौन से सीरीज तक डॉक्यूमेंट इशू किए हुए हैं, कौन से इनवॉइस नंबर से कौन से इनवॉइस नंबर तक इशू किया है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो आप यहाँ पे अपना सीरियल नंबर में फ्रॉम और टू में देख सकते हैं कि आपने सेल्स के बिल कहाँ से कहाँ तक इशू किए, डेबिट नोट कहाँ से कहाँ तक इशू किए, उसमें से कितने कैंसिल हो गए हैं, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे तो ठीक है हमारी सारी रिटर्न्स आपको पता चल गई किस किस केस में किस किस पॉइंट्स के अंदर हमारी एंट्रीज कैप्चर होंगी, बट इन सब के साथ सबसे ऊपर भी हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहले अभी आप देखो मेरा जो पीरियड इसमें सेलेक्ट हो रखा है वो फ्रॉम 1 मई टू 31 मई हो रखा है, एंड इसमें टोटल वाउचर्स मेरे पास 28 हैं, जिसमें से मेरे को दिखाया हुआ है कि जो इसमें इंक्लूड है ना, जो इसमें इंक्लूड है वो कितने हैं, 9 वाउचर्स इंक्लूड हैं, इंक्लूडेड इन रिटर्न्स 9। ओके, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो इंक्लूड है वो कितने 9 है, तो इट मींस कि 28 में से 9 ही वाउचर ऐसे हैं जो मेरे GSTR-1 के अंदर आएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है इंक्लूडेड इन HSN समरी, HSN वाइज समरी आपने जितनों की दे रखी है, जितने इनवॉइसेस की, वो भी आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इन HSN समरी, अगर आपने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन की हुई है जिसमें आपने इनवॉइस बनाया हुआ है लेकिन जो इनवॉइस आपने बनाया है उसमें आपने आइटम्स को ना HSN कोड नहीं दिया, तो इस केस में आपकी एंट्री यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इन HSN वाइज समरी, तो आपको आइटम्स का HSN कोड देना पड़ेगा, आप यहीं से ठीक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नॉट रिलीवेंट इन दिस रिटर्न, 17 एंट्रीज ऐसी हैं जो मेरी सेल से रिलेटेड ही नहीं है, मतलब GSTR-1 से रिलेटेड ही नहीं है, मैंने कोई अदर वाउचर्स में एंट्रीज की होंगी इसलिए वो मेरी यहाँ पर आपको नॉट रिलीवेंट में शो कर रही है कि ये एंट्रीज तो रिलीवेंट ही नहीं है GSTR-1 की। ओके, एंड नेक्स्ट टू ट्रांजेक्शन इज इन अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, अनसर्टेन मीन्स कि ये ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिसमें आपने कुछ ऐसा तो किया हुआ है कि GSTR-1 में वो आनी चाहिए बट आपने कुछ मिस्टेक कर रखी है जिसकी वजह से वो आ नहीं रही है, तो इसमें रीज़न क्या क्या हो सकता है, हो सकता है कि आपने जो पार्टी का GST नंबर लिया है आपने पार्टी को रेगुलर तो दे दिया कि रजिस्टर्ड डीलर रेगुलर है या कॉम्पोजिट डीलर है, बट आपने उसका GST नंबर ही नहीं डाला, अगर डाला है तो गलत डाल दिया। ओके, या फिर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई गलत ले लिया, ये या फिर आपने यूनिट क्वान्टिटी कोड गलत डाला हुआ है, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपका यहाँ पे अनसर्टेन में ट्रांजेक्शन आएगी। जैसे आप देख सकते हैं मेरी 2 ट्रांजेक्शन्स इनकम्प्लीट में आ रही हैं, तो उसमें से मैं फर्स्ट वाली चेक करती हूँ कि मेरी किस रीज़न से आ रही हैं, टैक्स रेट, टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड, देखो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि नेशनल ट्रेडर्स के लिए आपने एक क्रेडिट नोट डाला हुआ है जिसके लिए आपको यहाँ पे आपने कुछ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ही नहीं बता रखा। यहाँ पे देखो मेरे पास लिखा हुआ है ना, ये वाली मैं ट्रांजेक्शन चेक कर सकती हूँ 5 मई की नेशनल ट्रेडर्स की, ये मैं अभी चेक करके देखती हूँ कि इसमें क्या मिस्टेक है। तो मैं चेक कैसे करूँगी, यहाँ पे मैं ना अकाउंट्स बुक्स पे लेजर्स पे जाके नेशनल ट्रेडर्स का लेजर ओपन कर लेती हूँ एंड 5 मई में देखती हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या गलती करी है, मैंने इसमें GST नहीं ले रखा, GST नहीं ले रखा मैंने यहाँ पे। अगर मैं यहाँ कंट्रोल एंटर करूँ
तो यहाँ पर भी मैंने कहीं पर जीएसटी से रिलेटेड डिटेल्स नहीं दी हुई है, यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड कोई डिटेल्स नहीं है। यहाँ पे मेरे से देखो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन अभी पूछ रहा है, तो यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया हुआ इस वजह से, और सेल्स के लेजर में ना जीएसटी एप्लीकेबल है क्योंकि मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स में यहाँ पे एप्लीकेबल भी किया हुआ है। तो ये चीज़ें सारी आपको ध्यान रखनी होती हैं अगर कुछ इस टाइप की। देखो यहाँ पे मेरा सेल्स में ना कॉस्ट सेंटर भी एप्लीकेबल है तभी पूछ रहा है, जीएसटी भी एप्लीकेबल है तभी, वो यही रीज़न है कि सेल्स में जीएसटी को एप्लीकेबल किया हुआ है और मैंने टैक्स नहीं लगा रखा है एंट्री में। तो ये मैंने मतलब ये मिस्टेक मैंने खुद ही करी है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ओके, तो आपको क्या करना है अगर इस टाइप की कोई चीज़ की हुई है तो सेल में अगर आपको दिखाना है तो फिर आप प्रॉपर जीएसटी के साथ करो क्रेडिट नोट, अदरवाइज आप किस कहीं पे भी जीएसटी को एप्लीकेबल मत करो। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट एक ट्रांजेक्शन और आ रही है, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर, देखो यहाँ पे अनिल, अनिल का जीएसटी नंबर ही मैंने गलत डाला हुआ है, तो यहाँ पे गलत ही है जीएसटी नंबर, इस वजह से मतलब डाला ही नहीं है, गलत तो क्या पर मैंने डाला ही नहीं है तो इसलिए भी ये मेरा यहाँ मिसमैच में दिखा रहा है। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपकी एंट्री जो होती है ना वो मिसमैच में आती है। ओके, तो आपको इसको ध्यान में रखना है जब आप अपनी GSTR-1 प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं जब GST की सीरीज जल्दी ही लेके आने वाली हूँ तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा GST बताऊंगी फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, तो आप इसको अच्छे से करके रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।